कोरोना की वजह से फैली इस महामारी से देश में आमजन ही नहीं बल्कि बड़ी तादाद में डॉक्टर भी इस वायरस का शिकार हो रहे हैं, जिसको लेकर बुलंदशहर प्रशासन भी अब गंभीर दिख रहा है। इसी क्रम में आज मेडिकल टीम ने बुलंदशहर के खुर्जा में डॉक्टरों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस छापेमार कार्यवाही में कई फर्जी डॉक्टर पाए गए तो कई डॉक्टरों द्वारा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था। इस पर नाराजगी जताते हुए खुर्जा महिला अस्पताल की CMS डॉक्टर मंजू अग्रवाल और नोडल अधिकारी डॉक्टर विकास राय की टीम द्वारा नगर के 5 स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें से 4 अवैध क्लिनिकों पर सील की कार्यवाही की गई है। ये कार्यवाही नगर के जेवर अड्डा चौराहा, नेहरूपुर चुंगी, शिकारपुर रोड और कालंदी कुंज में की गई है। कार्यवाही के दौरान मेडिकल टीम मुरारी नगर पहुंची, जहां एक घर में क्लिनिक संचालित मिला। मौके से मिली जानकारी के अनुसार इस क्लिनिक में गर्भवती महिला का इलाज किया जा रहा था। हालांकि क्लिनिक में मौजूद स्टाफ द्वारा इस बात को नकारा गया, जिसके बाद अधिकारियों से भी स्टाफ की तीखी नोकझोंक हुई। CMS मंजू अग्रवाल ने बताया कि घर सील नहीं कर सकते, इसलिए इस डॉक्टर को अपने काम हेतु संबंधित कागज और क्लिनिक का पंजीकरण दिखाने के लिए 2 दिन का समय दिया गया है। संबंधित कागज नहीं दिखाने पर इस डॉक्टर के विरुद्ध भी FIR दर्ज की जाएगी। इस दौरान एक महिला का इलाज करते हुए मेडिकल टीम ने मौके से पकड़ा, जिसको महिला अस्पताल खुर्जा में इलाज के लिए भेज दिया गया। ये आज जो है 5 जगह हमने कार्रवाई की है और ये अभी 3 दिन से चल रही है, जिसमें आज 5 जगह जहाँ पे की गई है उनमें ये देखा गया है कि वो लोगों के पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है या नहीं है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का पूरा प्रॉपर वो ध्यान रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए ध्यान रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं, इन सभी को मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई की गई थी, जिसके अंदर हमने 2 अभी सील कर दिए हैं। एक को सील करने के लिए, क्योंकि वो घर के अंदर क्लिनिक चला रही थी तो वो हम घर सील नहीं कर सकते हैं किसी का, इसलिए उसको हमने चेतावनी देते हुए बोला है कि वो 2 दिन के अंदर हमें सारी ला के दे दे, अगर वो नहीं लाती है अपना जितना भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह है और डॉक्टर नहीं उपस्थित होता है तो उसके खिलाफ FIR करा दी जाएगी। CMS डॉक्टर मंजू अग्रवाल के अनुसार जिन डॉक्टरों पर कार्रवाई की गई है वे या तो झोला छाप हैं या फिर उनके द्वारा कोई मानक पूरे नहीं किए जा रहे थे, जिस वजह से ये कार्रवाई की गई। मेडिकल टीम द्वारा इस तरह की कार्रवाई 3 दिन से लगातार की जा रही है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।